नमस्कार, रमाश्यू की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे प्याज की चटपटी सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, फटाफट बन जाती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाते हैं प्याज की चटपटी सब्जी। इसे बनाने के लिए हमने 250 ग्राम प्याज लिया है। इसे हमने थोड़े बड़े टुकड़े में काट कर रखा है। और हमारे पास आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है। 1 छोटा चम्मच हमने चीनी लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच तेल, अदरक और लहसुन का पेस्ट आधा छोटा चम्मच, इमली का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। और अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। गैस हमने ऑन कर दिया है और गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर हम तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा फिर इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम जीरा डालेंगे और इसे हल्का सा भूनेंगे। जीरा हमारा गुलाबी हो चुका है, इसके अंदर हम 1 हरी मिर्च और कुछ कड़ी पत्ते डालेंगे। डाल देंगे इसके अंदर, नमक डालेंगे, आधा चम्मच नमक इसके अंदर डाल देंगे। चीजों को हम 1 मिनट तक भून लेंगे। हमने प्याज को 1 मिनट भून लिया है और इसके अंदर हम इमली का पेस्ट डाल देंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे हम मिक्स करके और इसमें हम ढककर लगा देंगे और 2 मिनट तक इसे हम उबलने देंगे। फिर इसे हम फिर से मिक्स करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, सब्जी को भी मिक्स करेंगे। हम पकने देंगे, इसे ढक्कन लगा देंगे और 2-2 मिनट पे इसे हम चेक कर लेंगे। ये सब्जी को हम चेक करते हैं, हमने इसे 2-2 मिनट पर इसी तरीके से मिक्स कर दिया है। 5 से 6 मिनट में ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए सब्जी हमारी तैयार हो गई है। 1 मिनट के लिए ढक देते हैं, फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे। 1 मिनट हो गए हैं और सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। हमारी प्याज की चटपटी सब्जी बनकर तैयार हो गई है और ये बहुत जल्दी बन जाती है और खाने भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप इसे जरूर ट्राई करें। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।